पंचायत ककरघटा में बताया जा रहा है कि ग्राम सभा की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। ये जमीन तालाब की है और अब इसका तालाब का अस्तित्व जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन के साथ ही जो ग्राम सभा के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा इस पर कार्यवाही की गई है। लेखपाल जब इस जमीन विवादित जमीन पर जब कब्जा हटाने के लिए गए तो जो भू माफिया थे उनके द्वारा उनके संग बदसलूकी की गई, जिसको लेकर लेखपाल ने तहरीर दी है। देखिए रिपोर्ट। बूंदाबांदी में जानकारी दें तो तहसील सदर की ग्राम पंचायत ककरघटा में बता दें कि ग्राम सभा की लगभग 10 बीघा जमीन पर बने तालाब को गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध रूप से इसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और उस पर अपने मकान भी बना दिए। इस वजह से तालाब का अस्तित्व खतरे में चल पड़ा है। इस तालाब की हालत ऐसी हो गई है कि अब इसका कसूर किस पर मढ़ा जाए। हालांकि इसका कसूर ग्राम प्रधान पर मढ़ा जाता है, क्योंकि ग्राम प्रधान होता है कि वे क्षेत्र की जमीनों का, ग्राम सभा की जमीनों और तालाब की पूरी जानकारी रखता है। ऐसे में सरकारी जमीन के सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही घटना खुलकर सामने आ रही है जो कई लोगों पर सवाल खड़े कर रही है।